दार्जिलिङ को अपरनोर बस्ती में हाम्रो पार्टी को सभा संपन्न भयो। भीम सुब्बा को घर को प्रांगण में संपन्न भएको सभामा अध्यक्ष र सचिव निर्वाचित गरियो। सोमवार मन सुब्बा को अध्यक्षता में संपन्न भएको सभामा स्थानीय गाउँलेहरूको व्यापक उपस्थिति रहेको थियो। अपरनोर बस्ती ग्राम पंचायत क्षेत्र में हाम्रो पार्टी को कार्यकर्ता एवं समर्थकहरू थिए, तर अध्यक्ष र सचिव जस्ता पदहरूमा चयन प्रक्रिया भएको थिएन। यसर्थ उक्त सभामा यी सबै विषयहरूमा गहनतापूर्वक चर्चा परिचर्चा भएपछि सबैको सल्लाह र सुझाव अनुरूप हाम्रो पार्टी नोरबस्ती ग्राम पंचायत अध्यक्ष र सचिव चयन गर्ने कार्य सम्पन्न भयो, जसमा सर्वसहमति अनुसार पूरण गुरुङलाई अध्यक्ष अनि चञ्चल गुरुङलाई सचिव चयन गर्ने कार्य भयो। अपर नोरबस्ती ग्राम पंचायत लगायत यसका वरिपरि क्षेत्रका धेरै मानिसहरूले हाम्रो पार्टीको सोच र भिजनलाई मन पराएर पार्टीमा सामेल भएको बताइएको छ। आगामी केही महिनाभित्रमा नै अझ धेरै समर्थकहरू पनि हाम्रो पार्टीमा सामेल हुने भएको पनि बताएको छ। विशेष यहाँ सभा बस्नुको अर्थ के थियो भने हाम्रो नयाँ ग्राममा अहिलेसम्म दुईटा पद रित्तो भएको थियो। प्रेसिडेन्ट सेक्रेटरी उहाँलाई आज के भन्छ पदभार सम्हाल्ने उहाँले जिम्मेवारी दिएको छ हाम्रो श्री पुरन गुरुङ भाइ, अन्त त्यहाँबाट साथै हाम्रो के भन्छ चञ्चल गुरुङ भाइ सेक्रेटरी उहाँलाई आजको तारिकदेखि उहाँलाई चाहिँ हाम्रो नयाँ ग्रामको पञ्चायत सेक्रेटरीको भार उहाँलाई सुम्पिदिउँ भनेर म घोषणा गरेँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अमित कुमार चौधरी, कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जन, सिमेट्रिका कॉस्मेटिक सर्जरी एंड हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर सिलीगुड़ी। आज मैं आपको गायनेकोमेस्टिया के बारे में बताने वाला हूं। बहुत सारे पेशेंट मेरे पास आते हैं जो यंग लड़के हैं, उनमें कंप्लेन होता है कि उनका चेस्ट का साइज और निप्पल एडुला का साइज थोड़ा बड़ा हो गया है, जिसके कारण उनको डिस्कम्फर्ट होता है टाइट टी शर्ट्स पहनने में या बेयर चेस्ट रहने में, स्विमिंग पूल और जिम में जाने में या अपने बॉडी को एक्सपोज करने में हिचकिचाहट होती है। तो ऐसे पेशेंट्स को या ऐसे लोगों को मैं बोलना चाहूँगा, गायनेकोमेस्टिया कोई बीमारी नहीं है। बेसिकली गायनेकोमेस्टिया एक हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण, जब आप एकदम ग्रोइंग फेज में होते हैं, जब लड़के ग्रोइंग जब बहुत तेजी से ग्रो कर रहा होता है बॉडी, उस टाइम पर उस समय के लिए मेल हार्मोन और फीमेल हार्मोन के बीच का जो बैलेंस होता है वो थोड़ा सा इम्बैलेंस होता है, जिससे जो फीमेल हार्मोन होता है वो डोमिनेट करते हैं, जिसके कारण कि मेल जो ग्लैंड्स होते हैं, जो ब्रेस्ट ग्लैंड होता है वो डेवलप हो जाता है और बाद में यही ब्रेस्ट ग्लैंड लड़कों को परेशान करता है या उनको सोशली एक्सेप्टेबल नहीं होता है। तो मैं बताऊंगा कि इस बीमारी का या इस गायनेकोमेस्टिया या मेल बोब्स और जो चेस्ट का जो साइज इलाज हो गया है, इसका एक मात्र और परमानेंट सॉल्यूशन है लाइपोसक्शन एंड ग्लैंड एक्सिजन। बेसिकली आप अदर कोई भी ट्रीटमेंट इसमें इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि आपके अंदर जो एक ग्लैंड, जो एक ऑर्गन बन चुका है, उसको आप किसी भी दवाई या अदर किसी भी मेडिसिन से खत्म नहीं कर सकते। मीन्स इसका एक मात्र सॉल्यूशन होता है सर्जरी, और वो भी मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी जो आजकल हम लोग एकदम एडवांस तरीके से करते हैं, इसका नाम है लाइपोसक्शन एंड ग्लैंड एक्सीजन। तो ये लाइपोसक्शन एंड ग्लैंड एक्सीजन क्या होता है? बेसिकली लाइपोसक्शन एंड ग्लैंड एक्सीजन में हम लोग एक छोटा सा होल के द्वारा एक मशीन से आपका जो ब्रेस्ट का जो ग्लैंड है उसको हम लोग सक्शन के द्वारा निकालते हैं, और जो ग्लैंड है उसको भी उस सक्शन मशीन द्वारा निकाल दिया जाता है, जिससे कि आपका चेस्ट का जो शेप है एंड साइज है वो परफेक्ट हो जाता है, और रिकवरी पीरियड भी मैं बोलना चाहूँगा कि विद इन सेवन डेज इट विल बी एब्सोल्युटली फाइन टू गो आउटसाइड, नो प्रॉब्लम। सर्जरी के दूसरे दिन से आप अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर सकते हैं, और 8-10 दिन के बाद आप बेयर चेस्ट भी घूम सकते हैं, आप किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपने ऐसी कोई सर्जरी कराई है।
तो अगर आप भी ऐसी किसी बीमारी या ऐसे गायनेकोमास्टिया के प्रॉब्लम या मेल बूब्स के प्रॉब्लम से परेशान हैं तो संपर्क कर सकते हैं और बेटर रिजल्ट के लिए आप हमारे पास आ सकते हैं।